चाचा आप मेरे साथ कल स्कूल चलेंगे? नहीं, खैरियत तो है ना? नहीं, वो मैंने अपने स्कूल की फीस जमा नहीं करवाई। बेटा तुम क्या करोगे स्कूल पढ़ के? देखो तुम मेरे साथ दुकान पर आ जाना, मेरे पास दो मुलाजिम हैं। जब तुम्हारे काम समझ में आ जाएगा तो एक की छुट्टी करा दूंगा। तुम लोग ध्यान से पढ़ो, टीचर के आने से पहले अपना होमवर्क मुकम्मल कर लो। अच्छा चाचा मैं चलता हूँ। अरे नहीं भाई, खाना खा के जाना। हाय हाय, अभी हमारा खाना तैयार नहीं हुआ। या रसूल अल्लाह, जब से मेरे अब्बू फौत हुए मुझे किसी ने प्यार नहीं किया। लोग मुझे लावारिस समझते मगर यतीमों के वारिस तो आप हैं। शायद ये बात किसी को पता नहीं होगी, तभी तो मुझे स्कूल से निकाल दिया। लेकिन या रसूल अल्लाह, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। आप मेरे वारिस हैं, इससे बढ़कर और मेरे लिए क्या हो सकता है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आली मोहम्मद। अपनी विलादत के मौके पर मेरा ये दुरूद शरीफ कबूल फरमाइए। सुना है आप अपने नवासों से बहुत प्यार किया करते थे, इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कंधों पर बिठाकर सैर कराया करते थे। आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गले के बोसे लिया करते थे और रोते थे। आपको पहले से इल्म था ना कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गले को काटा जाएगा? क्या आपको किसी ने मिंबर से उतरकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को गोद में लेते हुए नहीं देखा था? आपने तो खुतबे के बीच में उन्हें गोद में लेकर कहा था, इसे पहचान लो, ये हुसैन है, इसे कभी तकलीफ मत देना, इसकी हमेशा मदद करना। जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। क्या ये सब किसी ने नहीं सुना होगा? साकी एक अवसर है, जब नन्हे अली असगर के लिए पानी का सवाल किया तो यजीदी लश्कर में से किसी ने भी उन्हें पानी नहीं दिया। या रसूल अल्लाह, आपके खातिर भी नहीं दिया उन्हें, और 6 माह का बच्चा कितना पानी पी लेता, चंद कतरे। फुर्मुला ने 3 मुंह वाला ऐसा तीर चलाया जिसने शहजादा अली असगर को एक कान से लेकर दूसरे तक ज़िबा कर दिया। तीर कितना बड़ा था आपको तो पता ही होगा। तीर लगने पर शहजादा अली असगर रोए होंगे, कटे हुए गले को देखकर मौला हुसैन भी रोए होंगे। नन्हे शहजादे की लाश को लेकर कभी मौला आगे बढ़ते तो कभी पीछे हट जाते। जब शहजादे को माँ की गोद में रखा होगा तो तीर छुपा दिया होगा। माँ ने जब नन्हे शहीद को देखा तो कहा, अरे तेरी उम्र के तो जानवर भी ज़िबा नहीं होते, उन जालमों को तेरी कमसिनी पर भी रहम नहीं आया। गाजी अब्बास के बाजू कट गए, सकीना की आस टूट गई। सुना है बीबी सकीना मौला हुसैन के सीने पर सोती थी, मौला के दिल का सुकून थी वो। शायद इसीलिए इमाम हुसैन ने अपनी शहादत से पहले जमीन करबला से कांटे चुन लिए। मेरे बात कही, मेरी बेटी के पाँव में कांटे ना चुभ जाए। मौला हुसैन जब कासिम की लाश लेने मैदान में गए तो 3 दफा पुकारा, तीनों ही दफा जवाब नहीं आया। फिर फरमाया, इमाम होकर हुक्म देता हूँ, बताओ कहाँ हो तुम? तो मशरिक से आवाज आई चचा, मगरिब से आवाज आई चचा, चारों तरफ।
इकट्ठा किया और गठड़ी बनाए और कहा हुसैन गरीब हो गया। यजीद की फौज में किसी को पता तो होगा या किसी ने बताया तो होगा कि जिन लोगों को तुम मार रहे हो वो नवासाए रसूल है। मौला हुसैन ने बुलंद आवाज में कहा था, मैं नवासाए रसूल हूँ, कोई मेरी मदद करने वाला है? ये सुनकर यजीदी फौज में से हर किसी ने उनकी मदद तो की होगी। सुना है यजीदी फौज ने इमाम हुसैन को शहीद करने से पहले नमाज पढ़ी थी, अजान भी दी होगी। क्या अजान में आपका नाम नहीं सुना होगा? तो फिर आप ही के नवासे को इतनी बेदर्दी से शहीद कैसे किया? शहीद करने के बाद पहचाना नहीं होगा, वरना लाशों पर इस तरह घोड़े ना दौड़ाते। उमर साथ के बाद शिमर ने आके कहा, मेरे इज्जत का सर खाए, हुसैन को कत्ल तो मैंने किया था, तूने वो सर कोली को दे दिया। उमर साथ ने कहा, मैंने तेरे लिए भी एक सर रखा हुआ है। शिमर ने पूछा, कहाँ है? उमर साथ ने कहा, चने से बरदारों को ले जा खेमे के पीछे, उन जालमों ने वहां जाकर जमीन में नेजे मारने शुरू कर दिए। एक नेजा ऐसा जमीन में गया कि सात अली असगर को ले आया, सब शहीदों के सर नेजे पर गए, अली असगर का बदल नेजे पर गया। उन जालमों ने जब बीबियों को नंगे सर बाजारों में फिराया तो इमाम हुसैन के सर ने तिलावत शुरू कर दी, जैसे कह रहे हो, ए लोगों, बीबियों की तरफ मत देखो, ये देखो कि एक कटा हुआ सर कुरान की तिलावत कर रहा है। जब मैं करबला का जिक्र करता हूँ तो मेरी तकलीफ मुझे बहुत छोटी लगती है या रसूल अल्लाह। जब जब आप मुझे याद आते तब तब मुझे करबला वाले याद आते। मुझे पता है आप इस मंजर को कभी नहीं भुला सकते। जिस मंजर को आप नहीं भुला सकते उसे हम कैसे भुला दें?